संजय सर, क्लास नाइन्थ का फिजिक्स में लेसन फोर वर्क एंड एनर्जी है। तो आज वर्क एंड एनर्जी हम स्टार्ट करेंगे। तो सवाल उठता है कि व्हाट इज द वर्क, वर्क क्या है। तो वर्क कहता है कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसिंग मोशन, यानी काम तभी होगा जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मोशन में आ जाता है। यानी कि मान के चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, ठीक है, अब इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स। जब ये फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये मोशन में आ जाता है ना, क्या आ जाता है, मोशन में, और एक डिस्टेंस कवर करता है ना। तो हम कहेंगे कि वर्क इज डन जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी जो है अपना स्थान परिवर्तन कर देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है, तो हम कहते हैं कि वर्क इज डन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मान के चलिए कि हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मान ये बिग स्टोन है ना, बिग स्टोन, अब इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये इसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नो चेंज है ना, क्या हो रहा है, नो चेंज, चेंज इन मोशन, ठीक है ना। तो यहां पे जो है कोई हम फोर्स यहां पे अप्लाई किए बिग स्टोन पे और कोई मोशन में चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये बड़ा पत्थर है ना, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि वर्क डन हुआ, तो वर्क डन यहां पे जीरो होगा क्योंकि नो वर्क डन, नो वर्क डन है ना, यानी वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वर्क इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या मोशन नहीं आया, इसलिए है ना वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नो वर्क हुआ, तो नो वर्क में क्या हो जाएगा, वर्क इज जीरो। जैसे कोई दीवार है, जैसे मान के चलिए कि ये वॉल है जहां पे बोर्ड है, अब इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब ये वॉल पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वॉल जो है अपनी जगह पे स्थिर है, गिर नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि हमारा जो वर्क है वो हो जाएगा जीरो, है ना। तो वर्क डन कब होगा, तो वर्क डन तभी होगा जब ये दीवार गिर जाता, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर कहते हैं। दूसरा जो है डिफिनेशन जो है वो इस तरह से है, वार ऑफ, एक सेकेंड बोल के, हाँ, व्हेनेवर ए फोर्स मेक ए बॉडी मूव्स, इसका दूसरा इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो व्हेनेवर ए फोर्स मेक्स ए बॉडी मूव्स देन वर्क इज सेड टू बी डन। जब कभी ये हम फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हैं तो बॉडी क्या करता है, मूव करता है, तो हम कहते हैं कि वर्क इज डन। फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड, किसी भी काम करने के लिए जो है एनर्जी की जरूरत होता है, बिना एनर्जी का हम काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो व्हेन वर्क इज डन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी आर यूज्ड अप, यानी वर्क इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन यहां पे वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो वर्क डन तभी होगा जब इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी आप यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए कि 5 केजी का कोई बॉडी है ना, बॉडी है, तो वो जो है
पांच साल का बच्चा या फिर 10 वर्ष का कोई बच्चा उसको कैरी कर लेता है, उठा लेता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे तो ये जो है यस ही कैन डन, ये कर सकता है। 5 साल 10 वर्ष का बच्चा 5 केजी बॉडी को वो उठा सकता है, लेकिन इसी 5 केजी बॉडी का कोई भी बॉडी है 5 केजी का, और इसके जगह पे हम 2 इयर्स का बच्चा को हम कहते हैं कि आप कैरी कीजिए, तो क्या ये उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके बराबर नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा कि नो ही कैनॉट डू द वर्क। ठीक है ना, तो ये जो है वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसका यूज नहीं होगा। इसलिए ये क्लियर है कि वर्क डन तभी होगा जब इस पे इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है आप खर्च करते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि वर्क इज इक्वल टू जो है क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ना बोथ आर सेम। तो W इज इक्वल टू F इनटू S, W इज इक्वल टू F इनटू S। तो यहां पे जो यूनिट पे हम आते हैं तो फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या होता है मीटर। यानी अगर आप वर्क का आप लेके चलेंगे कि वर्क का क्या होता है, यहां पे न्यूटन इनटू मीटर दैट इज इक्वल टू न्यूटन न्यूटन मीटर है ना। तो वर्क का जो यूनिट है वो सारा सिंपल वे में न्यूटन मीटर कहते हैं, लेकिन एसआई यूनिट में अगर वर्क को हम देखते हैं तो वर्क का एसआई यूनिट जो है वो है जूल। यानी 1 न्यूटन फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 1 जूल। इसलिए एसआई यूनिट ऑफ द वर्क इज इक्वल टू 1 जूल। तो यहां पर देख लीजिएगा, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया, जूल हो गया। अब वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए वर्क जो है क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट है द डिस्टेंस मूव्ड इज जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कोई मूवमेंट नहीं करता, उसका मूवमेंट जीरो है, देन द वर्क डन ऑन द बॉडी, तो वर्क डन जो है बॉडी पे क्या होगा, ऑलवेज जीरो, है ना। तो याद रखना होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस बॉडी जो है कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसका मूवमेंट जीरो होता है, देन द वर्क डन इज क्या हो जाएगा, ऑलवेज जीरो। तो हमारा किसी भी बॉडी पे जो वर्क डन होगा वो ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इसके आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।